हाँ जी, क्या हाल है सबके? तो भैया देखो, मेरे को जैसे ही पता लगा कि अपने मेन चैनल की 70-80% ऑडियंस जो है वो व्लॉग्स में इंटरेस्ट रख रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी पब्लिक को व्लॉग्स वगैरह यहीं पे प्रोवाइड करवा दिए जाएँ। तो आ गए फिर व्लॉग की दुनिया में। अभी आज का अपना मेन तो ये है कि आज मेरे को थोड़ा काम है, मेरे को जाना है राजगढ़। तो मैंने सोचा भाई राजगढ़ का किला दिखा देते हैं अपनी ऑडियंस को। तो आज तुम्हें दिखाऊंगा मैं राजगढ़ का किला। अब वैसे बेसिकली काम तो मुझे ये है कि आज सिस्टर के मतलब दीदी के यहाँ कोई फंक्शन था तो वो अटेंड करना है। मतलब उसमें रस्म वगैरह होती है कुछ, तो वो कपड़े वपड़े देने का सीन होता है ना, तो वो काम करना है मुझे। तो मैंने सोचा भाई व्लॉग भी बना ही लेते हैं, क्या ही दिक्कत आ रही है। तो आज तुम्हें दिखाऊंगा राजगढ़ का किला। उससे पहले लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पे पहले, क्योंकि अभी मैं आदमियों की गिनती में शामिल हो रहा हूँ। तो पहले अभी दाढ़ी ट्रिम करवा लेते हैं, फिर होंगे लोंडो की गिनती में शामिल, उसके बाद मिलता हूँ तुम्हें। Every minute with the fever dreams, I push a mind to a limit where it needs to feed. I work like I got vision, I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to bring. लग रही हूँ ना बढ़िया। अब भाई देखो काफी लेट हो चुका हूँ, दाढ़ी वगैरह सारी बन चुकी है, अब निकलना है अपने को सीधा घर, क्योंकि घर जाता हूँ ऑलरेडी काफी लेट हो चुका हूँ। 10:30 मेरे को पहुंचना था राजगढ़, लेकिन 9:30 तो यहीं बच गए। अब 1 घंटे में देखता नहाना धोना भी है और 40 किलोमीटर, तो कम से कम 1 घंटा मेरे को वहाँ पे लग जाएगा। तो उसके बाद वो भी कवर करना है, 1 घंटा जाने में लगेगा, लेकिन 1 घंटा तो मेरे पास टोटल ही है और उसमें सारा कुछ करना है। निकलते हैं अब, नहा धो के ऑल सेट, चलो अब निकल लेते हैं यार, काफी लेट हो गए ऑलरेडी। अरे यार एक तो भाई बेल्ट का सिस्टम बेकार है। अपन को चलना था कितने बजे, 10:30 पहुंचना था वहां पे, लेकिन भाई अपन तो ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं। चलो लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जैसे भी है लगा देंगे 1.5 घंटे में। नहीं आज तुम्हें भाई, आज तुम्हें राजगढ़ का किला दिखा के मानूंगा, ऐसे ना छोड़ू पीछे। अभी रास्ते में एक बार बस मिठाई वगैरह लेनी है थोड़ी, वो लेते हैं फिर निकलते हैं रपटते हुए। 1 किलो कर दो। आ गई मिठाई, अब निकलते हैं। चलो चले। I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss. मुझे एक बात बताओ भाई, गरीब आदमी करे तो करे क्या, केले 50 रुपए किलो। मैं तो अभी सोच रहा था जिम जाने की, आज रेट सुनी भाई मेरे को ऐसा लगता है मैं काफी दिन बाद आया हूँ ना मार्केट में। तो अभी सोच रहा जिम जाने की, लेकिन अब खत्म, अपने बस की ना है भाई। 50 रुपए किलो केले, मतलब 1 किलो केले 1 दिन में खत्म। डेली 50 रुपए ज्यादा बैठ जाएगी डाइट, और ये तो सिर्फ केले ही है भाई। पनीर की रेट पूछूंगा तो पता नहीं क्या ही चल रही होगी, बनानी है ना मेरे घर में काफी दिनों से। तो पता है भाई, मांग के गाड़ी चलाने वाले आदमी है बन, तो कहाँ से बनेगा, दाल रोटी खाने वाले आदमी है भाई। भाई ये चौधरी ना मानने, ये बत्ती में लगवाएगा मेरे को भी। एक चीज और क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि अभी अपन राजस्थान एक्सप्लोर करेंगे बढ़िया तरीके से। सबसे पहले तुम्हें लेके चलूंगा भानगढ़ का फोर्ट, उसके बाद चलेंगे हम जयपुर हो सके तो, क्योंकि जयपुर का मेरा बन रहा है सीन, तो हो सके तो तुम्हें आमेर किला वगैरह या फिर जयपुर में जो भी देखने लायक चीजें हैं सारी की सारी करवा दूंगा। ये आ गया तुम्हारा कट्टी घाटी, जिन्हें बता दूं जिन्हें पता नहीं है, ये वाला जो रोड है इधर की साइड जा रहा है ना ऊपर, वो जा रहा है ये वाला, ये जाता है जयपुर के लिए। वैसे जयपुर के लिए ये भी जाता है, बट ये जयपुर आगरा वाला हाईवे है, आगे चल के राजगढ़ होके जाता है जो, और ये वाला है शाहपुरा वाला, जो NH 48 है वो या फिर 8 है, मैं दोनों में कन्फ्यूजन है। ये जा रहा है ना, ये 48 या फिर 8 जो भी है वो वाला दिल्ली जयपुर वाला, वो वाला हाईवे ऊपर है वो गया। तो अपन को चलना है इससे, क्योंकि राजगढ़ इस वाले रूट पे पड़ता है। ये वाला रोड आ गया तुम्हारा, ये आ रहा है दिल्ली से साइड से जो आ रहा है, ये वाला ये जो कट रहा है ना वहां से ये जा रहा है पीछे की साइड सीधा दिल्ली गुड़गांव होते हुए, ये जाता है सीधा के सीधा अपना दौसा होते हुए। चलें तो फिर बालाजी, बोलो क्या कहते हो? हाँ भाई चलना है बालाजी, चलें चलेंगे बालाजी भी, चल दर्शन करा के लाएंगे आपको बालाजी के भी। लेकिन उससे पहले चलना है हमें पांडुपोल जी, और वो पड़ता है अपने सरिस्का में, बता ही दिया मैंने तुम्हें भाई साहब, एक नंबर मंदिर है, मेरा फेवरेट है। मैं जब भी मतलब हर सीजन में है ना मानसून के, क्योंकि वहाँ खतरनाक वाली ग्रीनरी होती है, और फिर पता ही है तुम्हें बजरंगबली के तो अपन भक्त है ही, तो डबल मजा। चलते हैं तो फिर आपको दिखा के लाएंगे इस बार पांडुपोल जी का मंदिर। ये रहा तुम्हारा सरिस्का फन सिटी, इसका भी पर्सनल डेडिकेटेड ब्लॉग बनाएंगे अपन एक। ये सरिस्का फन सिटी है, मतलब एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कह सकते हो तुम, फन सिटी है, सारी चीजें मिल जाएंगी तुम्हें। लेके तुम्हारा
स्विमिंग पूल से लेके वाटर पार्क वगैरह सारा कुछ, शॉपिंग का भी है और खाने पीने का सारा, फूड कैटरिंग वगैरह सब कुछ आएंगे इस दिन, इसमें भी आएंगे कभी। लो जी ये आ गया तुम्हारा राजगढ़। अब तुम्हें बता दूं ये वाला रूट जो इधर की साइड जा रहा है ना, देखो ये जा रहा है ना, ये वाला जा रहा है सीधा सिकंदरा, बांदीकुई सिकंदरा, उसके बाद जयपुर, और ये वाला जो अपन चल रहे हैं ये वाला रोड जा रहा है सीधा आगरा के, सॉरी राजगढ़। तो अपन को जाना है इस वाले रूट पे। ग्रीनरी बड़ी सही हो रही है आजकल यार सारी जगह। नगर पालिका मंडल राजगढ़ आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये आ गया तुम्हारा राजगढ़। जय हो गणेश जी महाराज। ये गणेश मंदिर है एंट्रेंस पे, जो कि बहुत ही बढ़िया बात लगती है मुझे राजगढ़ की। बाकी अब हमें चलना है सीधा मंदिर जहाँ पे फंक्शन है। वो सामने दिख रहा है तुम्हें किला, देखो वो दिख रहा होगा आगे। अरे यार जूम नहीं होगा, वाइड एंगल में शूट कर रहा हूँ ना इसीलिए। लेकिन सामने किला है तो अपन को वहीं चलना है। किले के जस्ट पास में मंदिर है, उस मंदिर में ही प्रोग्राम है, तो सीधा वहीं चलते हैं। अब ये आ गया तुम्हारा राजगढ़ का किला। ये देखो इसका यहाँ से इस साइड से एंट्रेंस है, यहाँ जाएंगे पैदल और कुछ इस तरह से दिखता है ये। बाकी मैं ऊपर तक तो नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे जाना अलाउ भी नहीं है, बंद कर रखा है कि जो नगर पालिका वगैरह जो भी होती है जो इन्हें मैनेज करती है। लेकिन जितना हो सकता है पॉसिबल जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जरूर दिखाऊंगा। इस तरह से रास्ता जा रहा है कुछ, वैसे फोर व्हीलर भी जा सकती है लेकिन अभी तो ये सारा कुछ बंद कर रखा है ना, तो इसलिए यहाँ पे जाना अलाउ तो है नहीं किसी को भी, तो इसलिए ऐसे ही रहता है, एक तरह से खंडर सा पड़ा हुआ है। और आगे चल के मंदिर भी है, हनुमान जी का मंदिर है ना, हनुमान जी का मंदिर भी आगे, वो भी दिखाता हूँ आपको। चलो देखो राजस्थान में अगर तुम्हें कहीं भी आना है ना तो भाई मानसून के टाइम में आओ, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी वगैरह ना नेक्स्ट लेवल होती है। और फिर तुम्हें पता ही है यहाँ के किले वगैरह राजस्थान के है ही खतरनाक। एक बार ऊपर चल के जितना पॉसिबल होगा, मतलब जहाँ तक अलाउ है जाना, वहाँ पे जाके एक बार वहाँ से तुम्हें यहाँ का पूरा व्यू दिखाता हूँ। मेरे हिसाब से पूरा राजगढ़ तुम्हें दिख जाएगा यहाँ से। और देखते हैं बाकी यार रास्ता ज़्यादा खतरनाक है, कुछ हालत ख़राब हो रही है, ऊपर से गर्मी भी तो इतनी भयंकर है ना। ये आ गया तुम्हारा मेन गेट, ये वाला ये मेन गेट है, बंद कर रखा है हालांकि से अभी, लेकिन यहाँ से ये पूरा जो फोर्ट है ये एंट्रेंस है इसका, मेन गेट यहाँ पे है, बंद है हालांकि, अंदर तो जाने देंगे नहीं। और वो सामने दिख रहा है, वो सामने हनुमान जी का मंदिर है। और अब दिखाता हूँ तुम्हें यहाँ से कुछ खतरनाक व्यू, पहले तुम्हें व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद इस फोर्ट की एक हिस्ट्री और है खतरनाक वाली, जिसे देखने के मतलब सुनने के बाद तुम डर ही जाओगे भाई। एक बार पहले व्यू देख लो, ये मंदिर रहा और इस तरह से कुछ व्यू दिखता है, देखो लग रहा है ना खतरनाक। ये बांध है, मतलब बांध ही बोलते हैं इसमें, बारिश का पानी वगैरह जो भरता है ना, बांध ही बोलते हैं ना, ये बांध है। और वो बाकी अरावली पर्वतमाला है जो कि पूरे राजस्थान में छाई हुई है खतरनाक तरीके से। ये व्यू है देखो, ये एंट्रेंस है, ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है, हालांकि इसमें जा सकते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं कि अलाउ नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ की जो नगर पालिका वगैरह जो भी इसे कर रही है इस टाइम मैनेज, उनकी तरफ से अलाउ नहीं है। लेकिन इसमें पीछे की साइड से एक हाँ सुरंग है, उसमें मतलब ऐसे ही अंडरग्राउंड है, तुम्हें पता ही है ना इंडिया कितना जुगाड़ू है, तो भाई साहब जुगाड़ कर करके बना रखा है वो, मतलब ऐसा है कि उसमें जा सकते हैं लेकिन वो इलीगल है, मतलब वो है ना दीवार वगैरह को फोड़ फाड़ के, यहाँ के जो लोकल बंदे हैं उन्होंने तोड़ फोड़ के ऐसे कुछ सुरंग टाइप बना रखी है जिसमें जा सकते हैं, लेकिन कोई जाता नहीं है क्योंकि इसमें अंदर है ना तुम्हें पता ही है भाई किलो का कैसे रास्ते वगैरह कैसे होते हैं, अंदर रूम्स वगैरह जो होते हैं ना होते हैं ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि अगर तुम गए और वापस ना निकल पाया ना तो दिक्कत हो जाएगी। और अब बताता हूँ तुम्हें इसकी हिस्ट्री ऐसी है, कहते हैं लोग यहाँ के लोकल लोग काफ़ी टाइम पहले से चला आ रहा है ये सारा सीन, कि पहले यहाँ पे एक बारात आई थी, शादी अपने होती है ना तो उसमें एक बारात आई थी, तो उस वो पूरी की पूरी बारात स्टार्टिंग में पहले एक बंदा गया होगा अंदर, उसके बाद दो गए होंगे ऐसे करके कहते हैं, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है, लेकिन जो लोकल बंदे हैं ना वो कहते हैं कि भाई पूरी की पूरी बारात अंदर गई और उसके बाद कभी वापस ही नहीं आई, ऐसा ही है ना, आज तक वापस नहीं आई, उसमें से एक सिंगल बंदा तक वापस नहीं आ पाया। अब मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं है जो भी है, लेकिन भाई कहते हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि देखो अफवाह होती है लेकिन भाई अफवाह भी उसी चीज की होती है जो थोड़ी बहुत हकीकत। यहाँ से चार पांच जगह सुरंग जा रही है, एक अलवर जा रही है बाला किला, यहाँ से इनके जो वहाँ सामने हमारे यहाँ पे पर्वत के ऊपर एक स्थान, और ये भी है कि हाँ इसी किले के अंदर से है ना अंडरग्राउंड इतनी सुरंग वगैरह जा रही है, जो कि ये देख लो अभी 40 किलोमीटर मेन अलवर से हम 40 किलोमीटर दूर है ना, तो ये देख लो कि यहाँ से 40 किलोमीटर अंडरग्राउंड सुरंग है, हालांकि पता नहीं भाई देखो उसमें कितनी सच्चाई है मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि अब जिन्हें नॉलेज है या फिर जो आसपास रहते हैं जो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं सारी चीजें, वो कहते हैं कि भाई 40 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड सुरंग है जो कि सीधा अपने अलवर के बाला किला जाती है। अब देख लो
बाकी होगा यार, जितना बाहर दिखता है उतना नीचे भी अंडरग्राउंड है, 3 मंजिल। अभी देख लो ये व्यू दिख रहा है तुम्हें, ये ऊपर का पूरा व्यू दिख रहा है ना। अभी कहते हैं जितना है ना ऊपर, जितना ऊपर दिख रहा है उतना ही नीचे भी दिखता है, अब सोच लो। और कलाकार ही देखो यार क्या ही बनाते हैं यार ये फोटो वगैरह ना, जब भी मैं देखता हूँ राजस्थान में, जैसे कि मैं अभी जयपुर होके आ रहा था ना, तो मैं वहाँ पे भी गया था, वहाँ पे भी। और एक मिनट रुको, उससे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, वो दिख रहा है ये किला, ये गढ़ वगैरह पता नहीं क्या ही है, मतलब इस तरह के किले हैं ना ये छोटे मोटे। उस टाइम यहाँ से जैसे कि वो होता था ना अटैक वगैरह करते थे, तो ये एक तरह से सुरक्षा प्रोवाइड करते थे उन्हें यहाँ भाई, ये दीवारों के पीछे से अटैक करते थे वो अपनी सेफ्टी के लिए। कह रहा था मैं जयपुर हो गया था, तो जयपुर हो गया था उसमें आमेर फोर्ट है, तो मेरे को ये समझ नहीं आता उस टाइम में इतनी खतरनाक फोर्ट किले वगैरह जो भी है भाई, जिन्होंने बनाया ना भाई दाद देनी पड़ेगी उनकी, क्योंकि यार उस टाइम ना कोई मशीनरी होती थी ना कुछ, इतने बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर तक लेके जाना ना बहुत बड़ी बात है। तो भैया खाना खा लिया, भंडारा सूत लिया, बढ़िया तरीके से प्रोग्राम फिनिश हो गया, और जितना तुम्हें दिखा सकता था मैंने पूरा दिखा भी दिया, किला जितना मैं कवर कर सकता था किया मैंने। अब निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि रास्ते में दोस्त है एक और वो कर रहा है वेट अपना, वो बाईपास मिलेगा मुझे, तो उसे वहाँ से उठाना है मतलब पिक करना है, और उसके बाद निकलते हैं सीधा अलवर, क्योंकि घर पे खबर आ रही है हमारे पास कि भैया अलवर में मतलब मेन जो अलवर है अपना घर पे, वहाँ पे हो रही है बारिश, और अगर बारिश हुई ना तो तुम्हें है ना एक बार मनाली और शिमला यहीं दिखा दूँगा टाइम से, मतलब राजस्थान में ही, क्योंकि बारिश जब होती है ना तो अरावली पर्वत वाला जो मतलब अपने पहाड़ वगैरह है ना उस साइड, तो वहाँ पे अच्छा खासा मतलब बादल नीचे आ जाते हैं और सही होती है मतलब बारिश है ना, एक नंबर व्यू आता है। तो वो कोशिश करूंगा, अगर हो गई तो जरूर दिखाऊंगा, प्रॉमिस पक्का। अभी निकलते हैं ऐसे रपटते हुए। ये आ गया दोस्त अपना। हाँ भाई, मैंने कहा था कि सीधा चलते हैं अलवर, और अभी एक बार तुम्हें मौसम दिखाता हूँ भाई साहब, एक नंबर मौसम हो रहा है। अगर बारिश हुई ना जाते जाते, अभी मैं रास्ते में तकरीबन 20 किलोमीटर के समथिंग और बच रहे हैं, अगर बारिश हुई ना तो भाई तुम्हें लेके चलूंगा फिर मिनी मनाली और लद्दाख, मिनी लद्दाख लेके चलता हूँ तुम्हें, एक बार मौसम देख लो उससे पहले। तो देख लो हो रहा ना एक नंबर मौसम कैडा, और हो सके ना तो उस साइड तो बारिश भी आ रही है, देखो जूम करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो आ रही है बारिश। लो जी हो गई बारिश, कहा था ना अलवर पहुंचते तुम्हारा बारिश से स्वागत करवाएगा, और ये लो कर दिया बारिश ने स्वागत। देखो आज का तो कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन है ना तुम्हें वहां पे लेके जाऊंगा एक दिन, वो दिख रहा है लास्ट में कॉर्नर पे है ना, एक नंबर जगह है भाई। तो यार वहां से मैं आ गया था, उसके बाद मैंने चेंज वगैरह कर लिया, और उसके बाद मैं निकल रहा हूँ वहां, बताया था ना तुम्हें पहाड़ पे, तो हो सके तो देखो अगर बारिश नहीं आई, वैसे हल्की हल्की बारिश आ रही है, अगर नहीं आई तो कंप्लीट कर लूंगा, बाकी इसे इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। लेकिन खत्म करने से पहले मैं बता दूं कि भैया आज मंडे है, तो मंडे को मैंने ये वाला किया, उसके बाद कल है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में कि हम जाएंगे पांडुपोल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वाले चैनल की जर्नी हम स्टार्ट करें बजरंग बली वाले ब्लॉग से, तो वो वाला कल वो वाला शूट करना है, हो सके तो वो वाला पहले डालूंगा मैं, उसके बाद ये वाला डालूंगा, ठीक है ये हो गया दोनों। उसके बाद लोकल तो मैं तुम्हें एक्सप्लोर करा रहा हूँ जितना हो सकता है, बाकी मैं तुम्हें बता दूं कि आज है 1 तारीख, तो अपन करेंगे 10 तारीख के बाद एक ट्रिप स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल पे, और वो ट्रिप जो है कंप्लीट बजट ट्रिप रहेगी, तो बजट में जो आता है वो तुम्हें पता ही है, बाकी थोड़ी बहुत रिवील कर ही दूंगा मैं, लेकिन अभी इतना सुन लो कि वो करने वाले हैं हम पहाड़ों पे, मतलब पहाड़ों में जाएंगे। अब कौन से वाले पहाड़ों में जाएंगे ये सारा सस्पेंस मैं आगे सारा के सारा रिवील कर दूंगा, अभी के लिए इतना ही। हवा चल रही होगी, ज़्यादा हवा चल रही है, वैसे तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही तो उसके लिए सॉरी, तो इस वाले व्लॉग को कर रहे हैं यहीं पे ख़त्म, चलो। We'll be right back.